हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने लाल मिर्च का अचार कैसे डाला है, और इस तरीके से अगर आप लाल मिर्च का अचार डालेंगे तो सालों साल ये चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये मिर्च मिलना शुरू होती है जनवरी से, और जनवरी से ये मार्च तक मिलती है। तो अब सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो चेक करिए और जल्दी से लेके आइए लाल मिर्च। ये लाल मिर्च मैं लेके आई थी, उनको धो दिया था मैंने और 3 दिन धूप में सुखाया। उसके बाद मैं इसको टिश्यू से पोंछ रही हूँ, क्योंकि डस्ट आ जाती है, तो उसको क्लीन करके फिर मैं तैयार करूँगी। ये जो रेसिपी है ये बहुत पुरानी है, और ये सालों साल ये अचार चलता है। मेरी सासू माँ बना के रखती है, उनका अचार काला हो जाएगा लेकिन ख़राब नहीं होता है। तो ये रेसिपी बहुत ही पक्की वाली रेसिपी है, अगर आप ट्राई करेंगे तो देखेंगे कि ये कितना अच्छा टेस्टी अचार बनता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए, मिर्ची अच्छे से पोंछ ली है, और उसके बाद मैं इसके बीज निकालूंगी। और देखिए डंठल किस तरीके से निकाल रहे हैं, ऐसे हाथ से उसको करके और डंठल निकाल देंगे, और उसके बाद हम चाकू की हेल्प से, नाइफ़ की हेल्प से उसके बीज भी निकाल लेंगे, जिससे कि वो पूरी खाली हो जाए अंदर से बीज भी। और जो ख़राब मिर्चें हैं उनको मैं अलग कर रही हूँ, जिससे मैं अलग तरीके से इनको यूज़ करूँगी। और ये हेल्प हम नाइफ़ की ले रहे हैं और उसके अंदर के बीज सारे निकाल दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरी खोखली हो जाएगी मिर्चें, और उसके अंदर हम फिर मसाले आराम से भर सकेंगे। आप धूप 2 से 3 दिन ज़रूर दिखाइए। मिर्च के अंदर जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर अच्छे से मिर्च को आप भर सकते। और अगर आप तौल के हिसाब से मसाले देखें तो रेशियो इस तरीके से होगा, 1 किलो सरसों है, 1 किलो धनिया है, जीरा है 250 ग्राम, कलौंजी 250 ग्राम, मेथी भी 250 ग्राम, अजवाइन 250 ग्राम, हींग 10 ग्राम और सौंफ 250। और पूरे मसाले का 1/4 होगा आपका खटाई। और इसके बाद आप और नींबू का रस, आप 4-5 नींबू का रस डाल सकते हैं। मैंने यहाँ कटोरी से नाप लिया है, क्योंकि मैं एक किलो बना रही हूँ अभी। तो मैंने यूज़ की है 1 कटोरी राई, 1 कटोरी ब्लैक सरसों, जो राई भी जिसको कहते हैं, और 1 कटोरी ही धनिया। राई और धनिया का रेशियो सेम रहेगा, सौंफ उससे थोड़ी कम रहेगी, और बाकी सारी चीज़ें, मेथी हो गई, मेथी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, आपके ऊपर है। थोड़ा कड़वापन आ जाता है मेथी से, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है। और राई देखिए, सबसे पहले मैं अलग से भून रही हूँ, क्योंकि इसको मुझे मोटा मोटा पीसना है। जीरा ये मैंने 1/4 कटोरी लिया हुआ है, अजवाइन भी 1/4 कटोरी है मेरी, और मंगरेल या कलौंजी ये भी 1/4 कप है। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम भून लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाली हैं, और थोड़ा सा मैंने यूज़ किया हींग। तो राई को हम अलग से लेंगे और बाकी सारी चीज़ों को हम एक साथ भून लेंगे। राई इसलिए अलग से लेंगे क्योंकि उसको अलग से भूननी है हमें, और थोड़ा सा मोटा मोटा हमको इसको पीसना है। बाकी सभी मसालों को हम बारीक पीसेंगे। ये है सरसों का तेल, जिसको हम 600 ml लिया है मैंने 1 kg के लिए, जिसको मैं धुआं उठने तक गर्म करूँगी और फिर मैं इसको ठंडा करके यूज़ करूँगी। सारे मसाले भूनने के बाद, पीसने के बाद आप मिक्स करिए, और राई थोड़ी मोटी मोटी रहेगी, बाकी सारे मसाले बारीक रहेंगे। और उस पे हम डालेंगे नमक और अपना अमचूर पाउडर या खटाई। ये देखिए, राई थोड़ी मोटी मोटी हमने पीसी है, आप चाहें तो बाज़ार से रेडीमेड भी ले सकते हैं, बाज़ार में भी मिलती है इस तरह से। आपको जितना तीखा चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बीज यूज़ कर लीजिए जो आपने निकाले थे मिर्चों से। आधा पैकेट मैंने यूज़ किया है नमक, और टोटल मसाले का 1/4 यूज़ किया है मैंने अमचूर पाउडर और खटाई। इन सबको मिक्स कर लीजिए। खटाई के लिए आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं खट्टा तो और ऐड कर लीजिए, और 2 नींबू का रस भी ऐड कर लीजिए इसमें। और इसके बाद हम मिक्स करेंगे अपना ऑयल, ऑयल को धीरे धीरे मिलाएंगे। बहुत सारे लोग ड्राई रखते हैं, मैं थोड़ा सा गीला रखती हूँ, इसलिए मेरा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका बिल्कुल भी अचार ख़राब होने का चांस नहीं होगा। और हल्दी डालेंगे हम, हल्दी हम 2 से 3 स्पून डाल सकते हैं मसाले के अकॉर्डिंग, ये कलर के लिए होता है और एंटीसेप्टिक है, अच्छा है, प्रॉपर्टीज़ अच्छी होती हैं, तो इसलिए डालना चाहिए। मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें राई है और धनिया है और नमक और खटाई। इसके अलावा सारी चीज़ें टेस्ट के अकॉर्डिंग है, सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो सौंफ ज़्यादा रखिए आप। मेथी थोड़ी सी कड़वी लगती है तो मेथी कम ही यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अजवाइन, जीरा और मंगरेल, ये तीनों चीज़ें होंगी, ये 1/4 1/4 होगा, और 1:1 होगा धनिया और हमारा राई का, और सौंफ उससे थोड़ी सी कम।
आपका जितना एक किलो में, जैसे मैंने इतना मसाला बनाया है तो इसमें 10 ग्राम के लगभग, 10 ग्राम से थोड़ा कम ही हम बोलेंगे, हींग डाली है मैंने। और काली मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं चाहे तो नहीं। और लास्ट में आप नींबू का रस निचोड़ दीजिए इसमें, तो वो भी अच्छा होता है, वो भी ऑप्शनल है। नींबू का रस वाला भी मैं बना देती हूँ, कभी नींबू का रस डालती हूँ कभी नहीं, लेकिन नींबू का रस डालने से पूरा जो अचार का जो टेस्ट आता है, जो मसाले का, वो बहुत ही अच्छा आता है। और ये देखिए मसाले अच्छे से हम दबा दबा के भरेंगे, जिससे कि मिर्चें पोपली ना रह जाए, खाली ना रह जाए। तो अच्छे से दबा के मिर्चों को भरिए और बस रेडी हो जाएंगे हमारी मिर्चें। तो अचार का मसाला आप पहले प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बाद मिर्चें ला सकते हैं। मैं मिर्चें पहले ले आई थी, फिर बाद में मैंने अचार का मसाला बनाया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने मसाला एक साथ नहीं बनाया था बहुत सारा, पहले मैंने एक किलो के हिसाब से बनाया था। एक किलो मिर्चों में इतना मसाला, जो ये कटोरी वाला सिस्टम है, इससे ये इनफ होता है। इसमें थोड़ा सा बच जाता है जो कि आप अलग से अपनी भरवा सब्जी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी मसाला बनता है। खटाई आपके ऊपर है, वैसे तो 1/4 होनी चाहिए टोटल मसाले की, लेकिन अगर आप और ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप और डाल सकते हैं। नमक कम नहीं होना चाहिए किसी भी अचार में, अगर आप नमक कम रखेंगे तो वह अचार ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो नमक कम नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो इसका जो मॉइस्चर है हमने सुखा लिया है पहले भी, और भरने के बाद भी हम इसको थोड़ा सुखाएंगे, धूप लगाएंगे। मॉइस्चर और नमक, अगर मॉइस्चर होगा और नमक कम होगा तो आपका अचार ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बस इस तरीके से आप अच्छे से अपनी लाल मिर्चों को भर लीजिए और रख दीजिए धूप में, और एक दो दिन धूप दिखाने के बाद उसको आप किसी भी अच्छे से जार में भर के रख दीजिए, एयर टाइट जार में। मसाले को आप टेस्ट करके ज़रूर देखिए, जिससे कि नमक का अंदाज़ा आपको लगे, नमक कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये लाल मिर्चें मेरी पूरी भर गई हैं, और अब मैं इनको धूप दिखाऊंगी 1 से 2 दिन। शुरुआत में भी धूप दिखाना ज़रूरी है और बाद में भी, क्योंकि मॉइस्चर अगर नहीं होगा तो अचार हमारा बहुत सालों तक आराम से रुक सकता है। और ये देखिए मैंने कांच का जार लिया है और उसको अच्छे से क्लीन करके उसको भी धूप में रखा है मैंने, और मेरी मिर्चें भी मैंने फॉइल में, ट्रे में फॉइल लगा के उसमें रखी हुई है, और अच्छे से धूप लगाऊंगी मैं इनको। इसके ऊपर आप हल्की सी चुनरी डाल सकते हैं, या अगर आप जार में डायरेक्ट भरना चाहें तो भर सकते हैं। और ये देखिए वो मिर्चें मेरी तैयार हो गई हैं, और मैंने दूसरे राउंड के लिए मिर्चें ले आई हूँ बड़ी वाली, ये और भी बड़ी बड़ी हैं और बहुत ही अच्छी मिर्चें मिल गई थी मुझे, तो इनको भी मैं डालूंगी अचार। और देखिए इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, मेरा एक अचार सूख रहा है और दूसरा डाला हुआ है, और थोड़ा सा मेरे घर के बाहर का नज़ारा, मौसम थोड़ा सा क्लाउडी हो रहा है, बारिश होने के चांसेस हैं, तो मैं सोच रही हूँ मिर्चें डालूँ या नहीं डालूँ और डिसाइड नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने सोचा चलो डालते हैं, और ये मैंने मसाला फिर से तैयार किया, और मैं जो पिछले बार की जो मेरी ख़राब मिर्चें बची थी और जो इस बार की ख़राब मिर्चें बची हैं निकाली हैं मैंने, उन सबको मैंने बारीक बारीक इस तरह से काट लिया है, और ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनता है ये चटनी या अचार, आप जो भी बोलिए। इसको बारीक बारीक काट लीजिए, और जो आपके मिर्च के अचार का जो मसाला है वो इसमें डालिए, और अपना गरम किया हुआ तेल डालिए, और बस ये 1 दिन में ही रेडी हो जाता है, और इतना यम्मी होता है ना, शेजवान सॉस भी इसके आगे फेल है, बहुत ही यम्मी होता है, आप ट्राई करके देखिएगा, भरवा से ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। और ये देखिए मैंने इसको बनाया है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा किसी को दे दिया था, और थोड़ा सा मेरे घर पे है, क्योंकि हम बच्चे तो मिर्च खाते नहीं ज़्यादा, हम ही लोग खाते हैं तो बहुत ही कम खाते हैं, लेकिन ये बहुत यम्मी है, और मेरे हस्बैंड ने बोला ऐसा और बना लेना तुम। तो बस, और ये देखिए मैं इसमें ऑयल भी डाल देती हूँ, और उसके बाद मैंने इसको एक डिब्बे में पैक कर दिया, और इसको आप कितने, इस ये भी आपका सालों साल रखा रहता है, इसमें भी ख़राब नहीं होता। मेरी सासू माँ के पास वो इसी रेसिपी से बनाती हैं, ऐसे ही बनाती हैं, और ये जो चटनी वाला है ये भी बना के वो बहुत दिनों तक रख लेती हैं, काफ़ी मतलब पुराना रहता है उनका अचार, तो कभी नहीं ख़राब होता है। और बस इसको ऐसे पैक कर दीजिए एयरटाइट डब्बे में, किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में, लेकिन उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अच्छे से क्लीन करके रखना है हमेशा, अंदर कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह की गंदगी ना हो। और जो मैं इस बार जो मिर्चें लाई थी वो मेरी कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी थी, और मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरी तबीयत बीच में गड़बड़ हो गई थी, जैसा कि मैंने एक पोस्ट कम्युनिटी पर डाला था, तब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उस टाइम पर ये मिर्चें लाई थी मैं, और उस समय मैं कर नहीं पाई थी, तो थोड़ी ज़्यादा ही धूप लग गई इसको, और अच्छे से सुखा दिया था, और उसके बाद मैंने इसको
जल्दी बनानी थी इसलिए मैंने इसको बीच से काट दिया। और ये थी बड़ी बड़ी मिर्चें, तो बहुत ही आराम से इनको फिर बीच से काट के मैंने दो पार्ट में भर दिया और ये बहुत ही आसानी से हो गया था और बहुत जल्दी हो गया था। देखिए दो पार्ट में कट करने के बाद बहुत ही आराम से आप इसके अंदर का गूदा निकाल दीजिए और बीज निकाल दीजिए और इनको आप यूज़ कर लीजिए बाद में अपने मसाले में। और मसाला मेरा तैयार था तो बस मैंने इनको काटा और भर दिया। तो ये जो स्टाइल है, ये जो मसाले की जो रेसिपी है, ये गोरखपुर स्टाइल में है। गोरखपुर स्टाइल में इसलिए क्योंकि मेरी बुआ की एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, उनकी रेसिपी, उन्होंने ये रेसिपी बताई थी और तब से मेरी मम्मी यही रेसिपी यूज़ करती हैं। मेरी मदर इन लॉ भी लगभग यही रेसिपी है उनकी भी, वो नींबू का रस ज़रूर डालती हैं। मेरे में ऑप्शनल है लेकिन उनके में हमेशा नींबू का रस रहता है और बस सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। और मेरी सास बहुत ही क्लीनिनेस से बनाती हैं। एक चीज़ ये डिफरेंस है, वो सारे मसालों को धोती हैं, सुखाती हैं। मैंने मसालों को धोया नहीं है, मैंने सिर्फ मसालों को अच्छे से साफ़ किया है। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं उनको धो के यूज़ करना तो अच्छे से मसालों को धोइए, फिर धूप दिखाइए, फिर उसके बाद यूज़ करिए, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। और कोई भी मिर्च अगर थोड़ी भी ख़राब दिखती है तो उसको यूज़ मत करिए, उसको कट करके वो पार्ट अलग कर दीजिए और उसके बाद यूज़ करिए। तो इस तरीके से अगर आप मिर्च का अचार डालेंगे तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। और सफाई का ख़ास तौर से ध्यान रखना है आपको, किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होनी चाहिए आसपास, ना ही मिर्च के हाथ जब भी आप यूज़ करें तो साफ़ करें, क्लीन करें, ड्राई करें, फिर अचार को यूज़ करें। और नमक एकदम बराबर रखिए अचार में, तो कभी ख़राब नहीं होगा आपका अचार। और ये देखिए दो पार्ट में मैंने कट कर दिया था तो बहुत ही आसानी से मैंने ये भर दिया था, फटाफट हो गया था। मैंने अकेले ही ये सारी मिर्चें तैयार की थी और बस फटाफट हो गई थी। सिर्फ फर्स्ट डे ही मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया था। और ये देखिए दो पार्ट में मिर्चें हैं तो बहुत ही आसानी से आप भर लेंगे इनको, और बहुत अच्छे से मैंने भर लिया था इसको। और जो भी मसाला मेरा बचता है उसको मैं एक एयर टाइट डब्बे में अच्छे से भर लेती हूँ, जिससे कि वो मैं अपनी अगर भरवा बैंगन बनाने या कोई भी भरवा सब्जी बनानी है या तवा मसाला तवा सर कोई भी सब्जी बनानी है तवा के लिए, तवा सब्जी बनाने के लिए भी ये मसाला बहुत अच्छा है। कुछ भी आप बनाइए बहुत ही यम्मी लगता है। और ये देखिए मेरी मिर्चें तैयार हो गई हैं और इनको मैं किसी को देनी भी है मुझे थोड़ी सी मिर्चें, तो वो देने के लिए मुझे क्या करना है, मैं एकदम सेफ होना चाहती हूँ कि उसके पास अगर मिर्चें जाएं तो एकदम तैयार हों और उसमें कोई भी 1% भी रिस्क ना हो कि ये ख़राब हो। तो इसलिए मैंने ये तेल को अच्छे से गर्म किया है, उसके बाद ठंडा किया है। और ये मिर्चें मेरी ऑलरेडी धूप दिखा चुकी हूँ मैं, अब इनको मैं डब्बे में भर के मुझे किसी को देना है। तो मैं इन मिर्चों को डिप करके अच्छे से ऑयल में और फिर उसके अंदर रखूँगी। आपको लगता है तो आप पूरा ऑयल में पूरा भर के भी सकते हैं, लेकिन उतने ऑयल की अचार में जरूरत नहीं होती है। इसको बस इस तरीके से डिप करिए और ऐसे रख दीजिए। मिर्च में मॉइस्चर नहीं है, नमक परफेक्ट है, तो ये अचार ख़राब नहीं होगा। और बीच बीच में आप चेक कर लीजिए, अगर बारिश का मौसम है या बरसात है या मॉइस्चर है, आपके यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं अपने अचार को। अदरवाइज़ इस अचार में कुछ नहीं होता है अगर आपने प्रॉपर धूप लगा के इसको बनाया है तो। मसालों का रेशियो परफेक्ट है, नमक परफेक्ट है, तो ये अचार एकदम सालों साल बहुत ही अच्छे से चलेगा। और ये अचार मैंने किसी को दे दिया है और जो बचा हुआ अचार है वो मैंने कैसे रखा है, उसमें मैंने क्या किया, पूरा मर्तवान तो भर ही दिया था मैंने, जो बची हुई और मिर्चें थी वो भी उसमें मैंने दबा के डाल दी थी, तब तक तैयार हो गई थी। थोड़ा सा पूरा जब तैयार हो जाता है अचार तो थोड़ा सा दब जाता है, तो दब गया था और मैंने इसमें देखिए थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया है, तो दब गया था। उसके बाद मैंने उसमें उस मर्तवान में भी थोड़ा सा, उस जार में भी मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था और बस मेरा अचार रेडी है सालों साल रखने के लिए। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक देके जाइएगा ज़रूर। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे बने हुए रेड बटन को क्लिक करिए, सब्सक्राइब बटन को, और उसके बगल में बनी हुई बेल बटन को, घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे न्यू अपलोड्स के नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फीडबैक देना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।